जीत गए। We did it, brother. अभी पता चलेगा कौन जीत रहा है। दिखाओ भाई क्या है ये। क्या ये? अरे इस काम के रखा गया तेरे को। क्या खड़ा है? आए वैसे पापा हमें कुछ नहीं हुआ, तो सिर्फ गुब्बारा था। भाभी मेरी बच्ची, इनको पकड़ने के लिए। पार्वती दीदी, आप हमें सुन नहीं पा रही हो? पार्वती दीदी। विक्रम जी प्लीज आप पुलिस को फोन कीजिए और पता कीजिए कौन थे वो लोग। सब कुछ देने के बाद भी उन्हें गोली चला दी। हेलो हुकुम, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने। अरे बेटी के बदले कंकर और पत्थर डाल के भेजे बैग में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने अपने हाथों से हमारा पुश्तैनी सेवर और सारा कैश बैग में डालकर भिजवाया था। ये चूना तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है बॉस। अब तू चाहे पुलिस बुलाए या सिक्योरिटी, तेरी बेटी की जान तो मैं लेके रहूंगा। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुनिए, हेलो किसी ने बैग बदल दिया। किसने बदला है बैग? हमने अंकल, हमने किया है। हमने आपको सारा सामान छुपा दिया है मम्मा के कमरे में। हमने आपका सारा सामान बचा लिया। हम तो तब से बोल रहे हैं पर भारती हमारी आवाज सुन ही नहीं पा रही है। ओह, तो अब समझ में आया ये पागल इतनी जिद क्यों कर रही थी उस दिन फिरौती की रकम लेके जाने के लिए। ये सब चालना उस आनंदिता की है। पर आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? नहीं नहीं, हमारी मम्मा ने कुछ भी नहीं किया। आनंदिता जी, हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। गुड। मम्मा, वो हमने ही किया था। आपको बताने वाले थे, हम आपको बता नहीं पाए। हमने पार्वती जी को भी बोला था और पार्वती जी हमारी बात सुनी ही नहीं। सब लोग होली खेलने में बिजी थे। कोई बात नहीं सोना, हम अभी जाके सबको बता देंगे। वैसे तुमने वो सब कहाँ रखा है? अलमारी में। ठीक है चलो। हुकुमचंद जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। इस औरत ने जान पे खेलकर आपकी बेटी को बचाया है, आप उसी पे शक कर रहे हैं? आनंदिता जी ऐसा नहीं कर सकती है। हमें उन्हें ऐसे एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। हमने इस बैग में सारा कैश और जेवर डाल दिए हैं, यह आप मुझे दे दीजिएगा। आप सबसे कुछ कहना है। ये क्या बदतमीजी है? पागल समझा, पर तुम तो सियानी निकली। हुकुमचंद जी, आपकी बेटी को किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि इस पागल ने किडनैप किया था। वाह वाह आनंदिता, क्या दिमाग पाया है। आपकी बेटी को किडनैप किया, फिर आप ही के पैसे लेकर खुद इतनी जिद कर कर आपकी बेटी को खुद छुड़ा लिया। मानना पड़ेगा। झूठ बोल रही है तुम। वाह, तुमने बालबुद्धि को पकड़ा था। और ये सारा सामान तुम लेना चाहती थी। अब मेरी मम्मा ने सारा सामान बचा लिया है। छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये सब हमने नहीं किया, हमारी बच्ची ने की। तो जानते भी नहीं कि ये बैग यहाँ पर कैसे। अरे बंद करो ये पागलों वाली एक्टिंग। हुकुमचंद जी प्लीज, हमारा विश्वास। बहुत बड़ा विश्वासघात किया आपने। हमारी बेटी की जान जाते जाते बची। अब खुद को माँ कहती है। ऐसी होती है माँ? सोचिए अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगता। दुनिया की कोई भी माँ कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। नहीं, हुकुमचंद अकेले हमारी मम्मा ने ये सब कुछ भी नहीं किया। आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं। अब इन्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रखना। पुलिस आपको ले जाने आई है आनंदिता जी। वाह, एक तीर से दो निशाने। आनंदिता जाएगी जेल में और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हुक्म ये सारा माल फिर से हमें दे देगा। नहीं, हमारी मम्मा बहुत अच्छी है। हमारी मम्मा कहीं भी नहीं जाएगी। मम्मा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हुकुमचंद जी, आप कंप्लेन लिखवाइए। अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इनकी माली हालत ठीक नहीं है। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। ले चलो इन्हें। छोड़ो। चलिए। छोड़ो प्लीज, हमें मत लेके जाइए। हमारी छोटी सी बच्ची है, वो घर पे अकेले रह जाएगी। छोड़ो। चलिए। छोड़ो। ए, अब तुम पकड़ी गई हो। हाँ, ये पागलपन का नाटक ना चुपचाप बंद करो। कोई पैसों को देख के इतना नीचे गिर सकता है? ये सोच के तो हमारी रूह ही काम जाती है। वैसे अच्छा ही हुआ कि इसका पति पहले मर गया। नहीं, क्योंकि अब ये सब देखता तो बेचारा शर्म से ही मर जाता। चुप करो। जिंदा हमारा पति ले चलो इन्हें, लेके चलो। अगर अनंदिता जी को पीहू दिखाई दे रही है तो हमें वो सुनाई क्यों नहीं दे रही है? काश हम उसकी मदद कर पाते। तुम्हें क्या कर रहे हो गोपाल? तुम क्या कर रहे हो? तो अब हम किसको फोन लगाएंगे? हमारे पापा को पुलिस दे जा रही है गोपाल। गोपाल, हमारे पापा फिर से हमसे दूर जा रही है। गोपाल तुम क्यों कुछ बोलो ना। गोपाल कुछ बोलो ना तुम। हमारे पापा को बचाओ ना, प्लीज हमारी हेल्प करो ना गोपाल। गोपाल ये तुम कर रहे हो ना, तुम यहाँ हो ना। समय व्यर्थ मत करो पीहू, याद करो हमने क्या कहा था। आज होली है, अच्छाई की बुराई पर जीत होने वाली है, पर तुम्हें जतन करना होगा। अब क्या करें? गोपाल अब क्या करें? बोलो ना, मम्मा जा रही है। रसोई घर में जाओ, जल्दी। पीहू अपना हाथ आगे करना। वहां रखी ठंडाई की मटकी में इसे मिला दो। गोपाल ये क्या है? शंभू शिव शंकर ने दिया है, बड़ों का प्रसाद है। तू जाओ मिला दो। अरे रे रे, ये कंप्लेन वम्प्लेन ना सब बहाना है, बहाना। दरअसल आज होली है और सबको चाय नाश्ता चाहिए बस। फिर हमने तो गुजिया बनाई है, वो भी खोए में देसी घी डाल के। हाय 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 हाय, खुद ही सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर ये पुलिस वाले क्या है, खुशबू आ गई होगी बस, तभी तो भूख प्यास लग गई है ना एकदम। मुझे पूरा यकीन है कि मीम साहब ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। फंसाया जा रहा है उन्हें। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप तो सब जानते हैं। मीम साहब इस हालत में नहीं है कि वो जेल जाए। सबके सामने आना चाहिए भगवान। कुछ करिए, कुछ करिए। आप टेंशन मत लो, गोपाल ने बोला है ये ठंडाई पीने से सब सच सामने आ जाएगा। चलें? गोपाल प्लीज हमारी मम्मा को बचा लो ना। तुमने बोला था ना कि होली के दिन अच्छाई की जीत होती है, ऐसा ही कुछ बोला था ना तुमने। गोपाल आज वही होना चाहिए।